हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं महेंद्र कुमार सैनी, बी एल एस नर्सिंग एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, जो आज का हमारा जो टॉपिक है, हम आप लोगों के लिए लेकर के आए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत शानदार टॉपिक, जहां से जो अपकमिंग एग्जाम होते हैं या जो कम्युनिटी लेवल के एग्जाम की अपन बात करें या नर्सिंग वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनके अपन बात करें, तो जो एक अगर बात करते हैं कि जो नर्सिंग वाले स्टूडेंट होते हैं उनके लिए तो जो थ्योरेटिकल एग्जाम होते हैं उनके लिए तो 4 या 8 नंबर का क्वेश्चन, और जो हमारे कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, जो हमारे कम्युनिटी लेवल पे जो प्रैक्टिकली जैसे अपन बात करें सब सेंटर के लिए, जो हमारे हेल्थ वेलनेस सेंटर होते हैं वहां पे जो टीकाकरण होता है, यानी कि जो एमसीएचएन डे मनाया जाता है वहां पे जो एक टीकाकरण होता है, यानी कि जिसको अपन बोलते हैं अपना क्या बोलते हैं कि जो बच्चों के टीके वीके लगते हैं, वैक्सीन वगैरह लगते हैं, तो उनसे हम एक टॉपिक निकाल के लेकर गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो भी एग्जाम होते हैं वहां से इस टॉपिक से एक क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन, एक ही नहीं भाई बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आज का हमारा जो टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर के आए इम्यूनाइजेशन। भाई देखो, हम पढ़ने वाले हैं कि हमारा इम्यूनाइजेशन क्या है, क्या वैक्सीन क्या होती है, किस प्रकार से वैक्सीनेशन करते हैं, कौन से टीके कब लगते हैं, और हमारी इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होती है, और जो वैक्सीन होती है वो कितने टाइप की होती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का जो हमारा जो टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर के आए सबसे पहले इम्यूनाइजेशन। देखो मैंने क्या बोला था आपको एक लेक्चर में, बोला था कि जब भी हमारे किसी शब्द के पीछे यदि एसन शब्द जुड़ जाता है तो मतलब ये क्या होता है, प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है। तो इम्यूनाइजेशन भी क्या है, हमारे एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, वैक्सीनेशन करते। थोड़ा हम देखते कि यह हमारा जो इम्यूनाइजेशन है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बारे में। तो देखो यहां से हर बार अपकमिंग जो एग्जाम है या जो प्रीवियस जो एग्जाम है उसके अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की। किसकी बात करते हैं भाई अपन, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यानी कि जो हमारा जो टीकाकरण से संबंधित जो प्रोग्राम की हम बात करते, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इस गवर्नमेंट इंडिया का हमारे भारत के अंदर बात करें तो ये हमारा अब तक का सबसे लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम क्या है भाई, ये हमारा सबसे लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम। तो देखो भाई, जो अपना पहला क्वेश्चन यही से बन गया, कंपटीशन का एग्जाम होता है, ये बताओ कि इंडिया के अंदर सबसे बड़ा जो पब्लिक, जो हमारी जो जनता उसको देखते हैं कि सबसे बड़ा या सबसे जो लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम कौन सा है भाई अपना, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम है भाई अपना, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो एक क्वेश्चन यहां से बन गया। देखो स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, देखो स्टार्टिंग चालू होते पहले क्वेश्चन बन गया, अगली बन गया कि सबसे लार्जेस्ट जो पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है उसका नाम क्या है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब आया था, ये कब, देखो अगर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की अगर अपन बात करें तो जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है इसको सबसे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या करा था, इसको एक नाम दिया था EPI। इसको क्या नाम दिया था भाई, इसको याद करना, इसकी फुल फॉर्म होती है इसकी जो फुल फॉर्म होती है EPI की फुल फॉर्म क्या होती है, EPI की फुल फॉर्म होती है एक्सपांडेड इसकी जो फुल फॉर्म होती है एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। देखो भाई पहला क्वेश्चन यहां से बन गया, दूसरा क्वेश्चन बन गया ये बताओ EPI जो प्रोग्राम था कब लॉन्च हुआ था, कब EPI जो प्रोग्राम था वो कब लॉन्च हुआ था भाई, मैं बात कर रहा हूं। तो ये जो सबसे पहले जो EPI जो प्रोग्राम था ये आया था भाई कितने में, 1974 में, यानी कि 1974 के अंदर। अब जब कोई भी प्रोग्राम अगर लागू हुआ है तो हमारे इंडिया में भी लागू है, हम रहते हैं इंडिया में तो हमारे इंडिया से भी क्वेश्चन पूछेगा, तो यही क्वेश्चन पूछेगा कि ये बताओ जो EPI प्रोग्राम था वो इंडिया में कब लागू हुआ था, यानी कि जो एक्सपांडेड प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम था वो इंडिया में कब लागू हुआ था, ये हमारे इंडिया में लागू हुआ था भाई 1978 में, यानी कि 1978 में। देखो पहला क्वेश्चन क्या बना, सबसे जो लार्जेस्ट सबसे बड़ा प्रोग्राम अब तक का जो पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है कौन सा है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। दूसरा है कि जो हमारे जो कंट्री है, सॉरी हमारा जो वर्ल्ड की बात करें WHO, तो सबसे पहले जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था ये जो, इसको क्या नाम दिया था, एक्सपांडेड प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन, जो कब लागू हुआ था, सबसे पहले कब लॉन्च हुआ था,
1974 के अंदर। लेकिन हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के अंदर क्या लागू हुआ था, ये कब लागू हुआ था, 1978। लेकिन यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि इसको इंडिया के अंदर क्या नाम दिया गया था, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यानी कि ईपीआई को बदल के क्या कर दिया था भाई 1985 के अंदर, इसी प्रोग्राम को क्या नाम दे दिया गया था, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब होता है भाई सारी जगह, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। क्या नाम दे दिया गया था भाई इसको, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, इन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। देखो भाई हर एक लाइन से क्वेश्चन बन रहा है, नहीं बन रहा है, एक एक लाइन से क्वेश्चन बन रहा है। जो यूपीआई जो प्रोग्राम था, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब आया था भाई, ये कब लागू हुआ था, तो इसका आंसर चला जाना चाहिए भाई 1985 के अंदर। कब चला जाएगा, 1985 के अंदर। देखो चार बातें अपन ने पढ़ी, चारों के अंदर क्वेश्चन बना नहीं बना। सबसे लार्जेस्ट प्रोग्राम पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम, ईपीआई प्रोग्राम कब लागू हुआ था, 1974 के अंदर। इंडिया में कब लागू हुआ, 1978 में। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, आप देखो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का मतलब क्या, यूनिवर्सल का मतलब होता सब जगह। तो इसका जो बेसिक पर्पज हमारा यही था कि भारत सरकार ने क्या टारगेट बनाया, कि भारत सरकार के अकॉर्डिंग जो भी हमारे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, यानी कि जो टीकाकरण सारणी जो अपन पढ़ते हैं, उसके अंदर जो भी टीके हैं हमारे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर, जितने भी टीके आते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, वैक्सीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई उनको, अपन उन सबको अपन बोलते हैं वैक्सीन। जो वैक्सीन, जितनी भी वैक्सीन जो हमारी है, उनको जो हमारे ग्रोस रूट तक, यानी कि जो ग्रामीण तक, या जहां पे भी वैक्सीन नहीं पहुंच रही, हर एक इंडिविजुअल, प्रत्येक बच्चे तक, प्रत्येक गर्भवती महिला तक, जो हमारे टीके हैं, जितने भी टीके, उन सब टीकों को क्या कहना, पहुंचाना हमारा क्या कहला रहा है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। भाई देखो हमारे देश की आबादी है, तो देश की जो आबादी है, प्रत्येक जो नागरिक है, प्रत्येक नागरिक तक हमारा क्या पहुंचाना, वैक्सीन पहुंचाना, तो हमारे कौन से प्रोग्राम, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो देखो भाई हमने क्या देखा, ईपीआई प्रोग्राम, यूनिवर्सल प्रोग्राम, सॉरी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। लेकिन हम बात करते भाई हमारा जो इम्यूनाइजेशन, हमारा जो टॉपिक रहेगा आज का इम्यूनाइजेशन, तो भाई देखो क्या होता है बेटा, नहीं क्या होता है, देखो मैंने क्या बोला था कि हम जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ते थे, मैंने बोला था कि चीज, किसी भी शब्द के पीछे अगर एसएन शब्द जुड़ जाता है, इसका मतलब क्या होता है कि ये अपनी क्या होती है, प्रोसेस होती है। क्या होती है भाई, अपनी एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया अपन जिसके अंदर बोलते हैं, जिसका मतलब क्या होता है कि सर हमारी जो इम्यूनिटी होती है, क्या करने के लिए, हमारी जो इम्यूनिटी होती है, इस इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या भाई, इम्यूनाइजेशन क्या होता है सर, एक प्रोसेस होती है जिसके अंतर्गत हमारी जो इम्यूनिटी होती है, हमारी प्रतिरक्षक क्षमता, हाँ भाई हमारे शरीर के अंदर हमारी जो बीमारियों से बचाती, अभी इम्यूनिटी अपन पढ़ते हैं, थोड़ा देखेंगे क्या होता है, यानी जो हमारी जो इम्यूनिटी है, यानी कि इस इम्यूनिटी को क्या करना, इंक्रीज करना, किसके माध्यम से, हमारे शरीर में क्या करना, वैक्सीन को क्या करके, एडमिनिस्टर करके, यानी कि वैक्सीन को क्या करना, एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि वैक्सीनेशन करने को। देखो दो शब्द में यहां पे लिख देता हूं, एक शब्द लिख देता हूं मैं वैक्सीनेशन, एक शब्द लिख देता हूं वैक्सीन, एक शब्द अपना वैक्सीन। देखो भाई दोनों में कंफ्यूजन नहीं है, वैक्सीन जिसको अपन बोलते हैं, ये हमारे टीके कहलाते हैं, ये हमारे क्या कहलाते हैं, टीके। भाई जितने भी अपने अलग अलग बीमारियों से बचाने के अलग अलग टीके होते हैं, थोड़ा अपन देखेंगे डिटेल में भी, वैक्सीन कौन कौन सी होती है, कितने टाइप के वैक्सीन होती है, और किसके क्या क्या एग्जाम्पल है। और वैक्सीनेशन का मतलब होता है कि जो हमारे जो टीके हैं, इन टीकों को लगाने की जो प्रोसेस है, जिनको लगाना और लगा के हमारी को इम्यूनिटी प्राप्त, यानी कि क्या करना सर, हमारी वैक्सीन को लगा करके, वैक्सीन को लगाना क्या कहला रहा है, वैक्सीनेशन कहला रहा है। वैक्सीनेशन करने के बाद में हमारी जो इम्यूनिटी इंक्रीज हुई, वो हमारा इम्यूनाइजेशन कहला रहा है या नहीं कहला रहा है। सीधी परिभाषा याद करना है कि सर क्या कहलाता है, कि जो वैक्सीन होते हैं, जो टीके होते हैं, टीके को लगा करके हमारे शरीर में बीमारियों से बचाना, बीमारियों से बचाने के लिए, उनसे प्रोटेक्शन के लिए, उनके अगेंस्ट बीमारियों से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इम्यूनाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन अब अपना, देखो हमने क्या बोला कि वैक्सीन क्या होती है, इससे पहले थोड़ा देखो एक वैक्सीन शब्द आया तो अपन बात कर लेते। देखो भाई जो वैक्सीन जो शब्द था,
सबसे पहले अगर फादर ऑफ वैक्सीन की अपन बात करें तो ये बताओ भाई, एक क्वेश्चन यहां से बनता है अपना, ये बताओ कि जो सबसे पहले जो वैक्सीन थी या कौन सी वैक्सीन अपनी खोजी गई थी, तो सबसे पहली जो वैक्सीन थी स्मॉल पॉक्स वाली वैक्सीन खोजी गई थी, नहीं खोजी, कौन सी वैक्सीन, याद करना भाई, स्मॉल पॉक्स सबसे पहली वैक्सीन कौन सी थी, जो फर्स्ट वैक्सीन सबसे पहली कौन सी वैक्सीन डिस्कवर करी गई थी। लेकिन अगर दूसरा क्वेश्चन यही से पूछ ले, फादर ऑफ वैक्सीन, अरे भाई फादर ऑफ वैक्सीन किसको बोला जाता है, तो अपना आंसर क्या चला जाएगा यहाँ पे, एडवर्ड जीनर, क्या चला जाएगा भाई, फादर ऑफ वैक्सीन जो बात करते हैं अपन, फादर ऑफ वैक्सीन क्या है भाई, एडवर्ड जेनर, एडवर्ड क्या है भाई, फादर ऑफ वैक्सीन कौन है, एडवर्ड जेनर, यस या नो। तो देखो एक क्वेश्चन, अरे भाई मैंने क्या बोला था, इम्यूनाइजेशन किसे अपना भर भर के क्वेश्चन है, भर भर के यानी कि हर एक लाइन से, सिंगल सिंगल लाइन, जो भी टॉपिक, जो भी लाइन हम बोल रहे वहां से हर एक लाइन से क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता है। तो अपना फादर ऑफ वैक्सीन कौन हो गया भाई, अपना एडवर्ड। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ ले कि जो वैक्सीन जो वर्ड है ये किसने दिया था, वैक्सीन जो वर्ड है, वैक्सीन जो शब्द है किस साइंटिस्ट ने दिया था। अब यहां पे कंफ्यूज नहीं होना, जो वैक्सीन जो वर्ड है किसने दिया था भाई, लुईस पाश्चर ने दिया था, किसने दिया था, लुईस पाश्चर, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है, नहीं बोला जाता है, लुईस पाश्चर। तो याद रख लेना भैया, क्या याद रखना, क्वेश्चन पूछा है सबसे पहली वैक्सीन, जब जब भी क्वेश्चन पूछे सबसे पहली वैक्सीन कौन सी डिस्कवर हुई थी, स्मॉल पॉक्स, याद रख लेना। दूसरा पूछेगा आपसे फादर ऑफ वैक्सीन किसको बोलते हैं, फादर ऑफ वैक्सीन बोलते हैं एडवर्ड जीनर को। और यदि हम बात करते हैं कि जो सबसे पहले जो वैक्सीन जो वर्ड थी, जो वैक्सीन शब्द था, वैक्सीन जो शब्द है किस साइंटिस्ट ने नाम दिया था वैक्सीन का, वो बोलेंगे अपना लुईस पाश्चर, जिसको अपन फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, ये हमारा थोड़ा अपन किसके बारे में, ये अपना जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हुआ, इम्यूनाइजेशन के बारे में। लेकिन हमारा जो अपन पढ़ते हैं टॉपिक वो है हमारा थोड़ा सा आज का वैक्सीन के बारे में। देखो भाई वैक्सीन क्या होते हैं, क्या होते हैं बेटा जी, वैक्सीन के अगर अपन बात करते हैं, वैक्सीन क्या होती है, देखो वैक्सीन के अगर अपन बात करते हैं, एक प्रकार का इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस होता है जो हमें क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर जो भी बीमारियां होने वाली है, स्पेसिफिक जो भी बीमारी है, तो उन बीमारियों से हमें बचाने का काम करता है, नहीं करता है। अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं बेटा जी, देखो क्या होता है वैक्सीन की, अगर अपन बात करें वैक्सीन की डेफिनेशन क्या होती है, सर वैक्सीन की डेफिनेशन होती है इट, क्या होती है भैया, इट इज एन, क्या होती है भाई, इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस, इम्यूनो क्या है भैया, इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस जो क्या काम कर रही है, डिजाइन टू क्या कह रहे, काम करती है भाई किसके लिए, डिजाइन टू किसके लिए, प्रोड्यूस, क्या काम करती है, प्रोड्यूस स्पेसिफिक, क्या करती है, प्रोड्यूस स्पेसिफिक प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट, डिजीज के अगेंस्ट, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट किसके, अगेंस्ट एनी डिजीज भाई, हमारे जो एमिनेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो डिजीज है या जो प्रोग्राम वैक्सीन बना रखे। तो क्या है, सीधी भाषा में अगर अपन बात करें डिजीज की, अपन बात करते हैं भाई क्या है, देखो सर ये एक क्या है, इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस है। इम्यूनोबायोलॉजिकल की अपन बात करें तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या तो कोई लिविंग या किल्ड या फिर उनको क्या करके डिटॉक्सिफाइड करके है, तो कहीं ना कहीं एक इम्यूनो यानी कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। तो देखो यहां पे है क्या, इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस डिजाइन टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज। तो मैं इसको मिटा के थोड़ा सिंपली परिभाषा में अपन बात करते हैं कि सर इम्यूनिटी क्या है। देखो भाई या सॉरी अपनी वैक्सीन क्या है बेटा जी, वैक्सीन का सीधा भाई अपना क्या है कि इम्यूनो, ये हमारा क्या है, इम्यूनो बायोलॉजिकल सब्सटेंस, एक ऐसा पदार्थ या ऐसी इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस जो हमारे क्या काम कर रहा है भाई, इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस जो हमारे शरीर में जब इंसर्ट करते हैं तो हमारे अंदर क्या प्रदान करता है, इम्यूनिटी प्रदान करता है किसके अगेंस्ट, डिजीज पैदा करने वाले जो पैथोजन है, जो कारक है, उनके खिलाफ, उनके स्पेसिफिक यानी कि हमारे जो एंटीजन अपन बात करते हैं जिनको अपन बैक्टीरिया, वायरस
जो होते हैं इनके खिलाफ। तो सीधी साधी भाषा में बात करती थी, क्या भाई सर एक तरह का एंटीजन क्या है, एंटीजन क्या करना, एंटीजन के खिलाफ क्या एंटीजेनिक, क्या करना एंटीजेनिक प्रिपरेशन, क्या है भाई एक तरह का ये एंटीजेनिक प्रिपरेशन, ये क्या है भाई अपना एंटीजेनिक प्रिपरेशन है कि नहीं। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, प्रिपरेशन यानी कि जो हमारे अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करने उसके अगेंस्ट हमें क्या करना इम्यूनिटी तैयार करना, तो यानी कि एक करना क्या करना इंड्यूस इम्यूनिटी या फिर इंड्यूस इम्यून रेस्पॉन्स। सीधी भाषा में बोले इंड्यूस का मतलब होता है इंड्यूस इम्यून रेस्पॉन्स, इंड्यूस इम्यून, अरे भाई याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कि सीधी भाषा में हम बात करते हैं सर हमारा वैक्सीन क्या होता है, एक इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस होता है जो हमारे शरीर में इसको इंसर्ट करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, तो हमें इम्यूनिटी क्या करता है प्रदान करता है किसके खिलाफ, जो हमारे शरीर में जो डिजीज पैदा करने वाले जो पैथोजन है उनके खिलाफ एंटीजेनिक प्रिपरेशन यानी कि उनके खिलाफ एंटीबॉडी बना के, या फिर सीधी भाषा में बात करें इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स यानी कि हमारे जो बैक्टीरिया वायरस हमें जो नुकसान पहुंचा रहे जो बीमारी कॉज करने वाले जो कारक है उनके खिलाफ क्या करना इम्यूनिटी बना लेना। इम्यूनिटी तो देखो इम्यूनिटी की अपन बात करते हैं, इम्यूनिटी की सीधी सारी परिभाषा क्या होती है, इम्यूनिटी के अगर अपन देखें सर इम्यूनिटी क्या होती है हमारी एक रेजिस्टेंस पावर ऑफ द बॉडी, क्या होती है रेजिस्टेंस, क्या होती है भाई अपना रेजिस्टेंस पावर ऑफ द बॉडी, रेजिस्टेंस पावर ऑफ द बॉडी इम्यूनिटी की डेफिनेशन होगी। अरे सीधी भाषा में बात करें हमारे शरीर का वो सुरक्षा गार्ड है जो हमें क्या करता है हमें बीमारियों से बचाता है या नहीं बचाता है। देखो इसको सुनने से या इसको पढ़ने से पहले थोड़ी एक कहानी सुना देता हूं, एक तरफ है एंटीजन एक तरफ है एंटीबॉडी। भाई जो एंटीजन की अगर अपन बात करते हैं तो ये एंटीजन क्या है, जितने भी हमारे फॉरेन पार्टिकल होते हैं ना जैसे अपने बैक्टीरिया हो गए या हमारे वायरस हो गए हमारे फंगस हो गए या हमारे जो भी प्रोटोजोआ या जो भी स्पोर वगैरह जो भी होते ये हमारे क्या है चोर है। जब ये चोर हमारे शरीर में घुसने की कोशिश करेगा तो हमारे शरीर में पुलिस का काम यानी कि प्रोटेक्शन का काम कौन करता है एंटीबॉडी। तो ये हमारे को क्या करेगी प्रोटेक्शन का काम करती है क्या, शरीर को बीमारियों से बचाती है संक्रमण से बचाती है क्या। तो वैक्सीन भी क्या करती है स्पेसिफिक, तो ये भी याद रख लेना भाई जो वैक्सीन होती है पर्टिकुलर डिजीज या वायरस से ही बचाती है वैक्सीन। कोई भी अपन भाई अपन अब देखेंगे कौन कौन सी टाइप की वैक्सीन होती है, तो ठीक है फ्रेंड वैक्सीन क्या होती है सर एक इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस होता है जो हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी प्रदान करता है। कब वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद में हमारे शरीर के अंदर रेजिस्टेंस पावर डेवलप करके क्या करता है जो एंटीजन था इनके खिलाफ क्या बनाता है एंटीबॉडी बना के हमें क्या करता है बीमारियों से बचाने का काम करता है। तो ये अपना क्या हो गया वैक्सीन की डेफिनेशन हो गई। फिर से मैं वापस बोल देता हूं इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस होता है जो हमारे शरीर में क्या करता है प्रोटेक्शन का काम करता है किससे बीमारियों से बचाने का काम करता है यानी कि इंड्यूस एंटीबॉडी यानी कि जिसको अपन बात बोले प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स बोले या एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करके बोले बहुत सारी परिभाषा से अपन बोल सकते हैं। तो सीधी सादी परिभाषा यही होगी कि सर हमारे शरीर के अंदर जो भी हम टीका लगाते वैक्सीन का मतलब होता है टीका और एक शब्द आता है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन का मतलब टीकाकरण, हम जो वैक्सीन लगा रहे उसको लगाने की जो प्रोसेस होती है वो हमारी क्या कहलाती है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन प्रोसेस के माध्यम से ही तो हम क्या करते हैं भाई जो भी वैक्सीन होती है इसको अपन क्या करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं इंसर्ट करते हैं। तो ठीक है बेटा जी थोड़ा बहुत आपको याद हो गया होगा आई थिंक भाई वैक्सीन क्या होती है इम्यूनोबायोलॉजी। लेकिन अब जो सबसे जो कंपटीशन का एग्जाम होता है यहां से भी भर भर के क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन क्या आएगा देखो भाई जो हमारी जो वैक्सीन होती है ये जो देखो मैं इसको थोड़ा देख लेता हूं जो वैक्सीन होती है बोले वैक्सीन कितने टाइप की होती है तो बेटा जी याद कर लेना वैक्सीन तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी लाइव क्या होती है पहली वैक्सीन कौन सी लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन कौन सी वैक्सीन याद करना भैया लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन। दूसरी कौन सी होती है किल्ड वैक्सीन दूसरी कौन सी हो गई अपना किल्ड वैक्सीन और तीसरी कौन सी हो गई टॉक्सोइड वैक्सीन। ठीक है भाई कौन सी वैक्सीन हो गई भाई अपनी लाइव वैक्सीन हो गई दूसरी कौन सी हो गई टॉक्सोइड वैक्सीन। तो हमारा जो सबसे पहला अपन देखते हैं कि जो हमारा जो लाइव एटीन्यूटेड का मतलब क्या होता है भाई लाइव एटीन्यूटेड का मतलब क्या होता है तो जो हमारी जो वैक्सीन होती है यानी कि जो लाइव वैक्सीन होती है क्या होता है बेटा जी हाँ भाई बताओ क्या। देखो लाइव का मतलब होता है जिंदा
यानी कि सर हमारे शरीर के अंदर जो भी सॉरी हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करना उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करना उनको भाई वायरस तो है जो बैक्टीरिया है उन बैक्टीरिया वायरस को क्या करना जो पैथोजेनिसिटी कोज कर रहे क्या कोज कर रहे भाई वो हमारे शरीर में क्या करते हैं भाई जो भी बैक्टीरिया है ये क्या है बैक्टीरिया है वायरस है बैक्टीरिया हो गए वायरस हो गए ये जो हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया या वायरस हो इनको क्या करना ये लाइव होते हैं तो ये जो लाइव का मतलब जिंदा रख करके इनको क्या करके रखा जाता है आधा जिंदा इसका मतलब होता है कि इनको क्या कर दिया जाता है वीकनेस इनको कमजोर बना दिया जाता है इनको क्या कर दिया जाता है भाई इनको कमजोर बना करके क्या कर दिया जाता है जो हमारे शरीर में डिजीज पैदा करते भाई ये वैसे तो हमारे शरीर में क्या करते हैं जो पैथोजन होते हैं यानी कि बैक्टीरिया हो गए वायरस हो गए हमारे शरीर में क्या करते हैं बीमारी कोज करते हैं लेकिन इनको क्या करके जो डिजीज कोज करने वाले जो बैक्टीरिया वायरस थे इनकी पैथोजेनिसिटी थी यानी कि जो बैक्टीरिया जो वायरस थे इनकी क्या करना लाइव वैक्सीन के अंदर क्या करना इनकी जो पैथोजेनिसिटी थी इनकी पैथोजेनिसिटी की बात करें पैथोजेनिसिटी को क्या करना कम कर देना यानी कि पैथोजेनिसिटी की बात करें तो डिजीज प्रोड्यूस करती है डिजीज प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी इनको अगर अगर हम बात करते कि अगर पैथोजेनिसिटी को कम कर देगा तो बीमारी को भी क्या कर देगा ये अपने को रोक देगा लेकिन देखो यहां पे याद करना है भाई अपने को क्या याद करना है कि जो एटीन्यूटेड का मतलब होता है लाइव एटीन एक शब्द आता है एटीन्यूटेड इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि सर हमारे शरीर जो भी लाइव बैक्टीरिया वगैरह हो गए जो भी लाइव बैक्टीरिया हो गए वायरस हो गए इनको क्या करना यानी कि इनको क्या करना इनकी पैथोजेनिसिटी को कम करके इनकी जो पैथोजेनिसिटी होती है इनको कम करके क्या करना बीमारियों से बचाना यह हमारी कौन सी वैक्सीन के अंतर्गत आता है लाइव वैक्सीन। अब देखो क्वेश्चन अपना जो पूछेगा वो क्या पूछेगा कि ये बताओ कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं लाइव वैक्सीन के ये जरूर याद कर लेना भाई। एग्जाम्पल लाइव वैक्सीन क्या होती है सर ऐसी वैक्सीन जिसके अंतर्गत जो बैक्टीरिया हो गए जो वायरस हो गए उनकी पैथोजेनिसिटी को कम करके यानी कि क्या होता है भाई जो बैक्टीरिया लिया वायरस लिया भाई इनको क्या करे किल नहीं करते लेकिन उनकी जो पैथोजेनिसिटी होती है यानी कि जो बीमारी कोज करने की जो क्षमता होती है इसको कम कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है क्वेश्चन बनता है कि ये बताओ एग्जाम्पल कौन कौन से मैं लाइव वैक्सीन की बात करता हूं तो देखो भाई एग्जाम्पल याद करने के लिए ट्रिक याद कराता हूं मैं। ट्रिक में क्या है कि एक लड़का था अपनी मम्मी के साथ क्या वही स्कूल जा रहा था तो उसने मम्मी से जाते जाते एक वादा करके गया कि क्या बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो क्या बोलते बाय बाय मॉम भाई क्या बोल गया बाय मॉम रात को कब मिलते हैं टीवी के टाइम पे मिलते हैं तो इसका एग्जाम्पल याद रखना बाय मॉम क्या याद रखना बाय मॉम रात को कब मिलते हैं टीवी पे मिलते हैं तो एग्जाम्पल क्या याद करना बी से बाय मॉम क्या याद करना है कौन कौन सी जो वैक्सीन है हमारे लाइव वैक्सीन के अंतर्गत लाइव एटीन्यूटेड के अंदर आती है तो बी का मतलब होता है बीसीजी किसके लिए लगाते हैं भाई टीका लगाते हैं बैसिलस कालमेटोब्यूरिन किसके लिए लगाते हैं हम टीबी के लिए लगाते हैं टीबी में भी अगर पूछे तो पल्मोनरी एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के लिए बचाते हैं बीसीजी के। वाई का मतलब होता है येलो फीवर हाँ भाई यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा जी यहां से अभी एसपीजीआई का अभी 3-4 दिन पहले एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया था कि एक अगर आदमी फॉरेन कंट्री में अगर जाते हैं तो बताओ कौन सी वैक्सीन लगवाना जरूरी है। बेटा जी इस क्वेश्चन को रट लेना सभी फॉरेन कंट्री में जाने से पहले कौन सी वैक्सीन लगवाना जरूरी है येलो फीवर वैक्सीन लगवाना जरूरी है या नहीं है। एम का मतलब क्या होता है एम का मतलब याद कर लेना भाई इसके अंदर क्या हो गया एम का मतलब हो गया मीजल्स किसको अपन बोलते हैं खसरे का टीका लगता है नहीं लगता 9 महीने पे और 9 से 12 महीने पे और दूसरा किस पे 16 से 24 महीने पे लगता है नहीं लगता खसरे का टीका जिसको बोला जाता है मीजल्स जिसको बोलते हैं। ओ का मतलब होता है ओरल पोलियो वैक्सीन अरे यस या नो जो ड्रॉप से पिलाते हैं नहीं पिलाते ओरल पोलियो वैक्सीन किसके अंतर्गत आती है भाई हमारी ओरल पोलियो वैक्सीन भी किसके अंतर्गत आएगी लाइव वैक्सीन के अंतर्गत आती है क्या। उसके बाद में एम का मतलब क्या होते हैं बाय मॉम कब मिलते हैं किस पे मिलते हैं टीबी के एम योम अरे जो मम्स वगैरह होता है मम्स की अगर बात करें तो देखो इसके अंदर एक सिम्टम वो अपना ऑर्चाइटिस चलो अपना मम्स वाला जब अपन टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर डिटेल से पढ़ेंगे
उसके बाद में आता आर से जो रूबेला वैक्सीन होती है, कौन सी होती है भाई? रूबेला वैक्सीन होती है। इसका किसके अंतर्गत आता है? लाई वैक्सीन के अंदर आता है। और टी से कौन सी आती है? ओरल टाइफॉइड कौन सी भाई? ओरल टाइफॉइड वैक्सीन किसके अंतर्गत आएगी? हाँ बेटा याद कर लेना भाई, बाय मॉम रात को टीवी पे मिलते, याद हो जाएगा क्या सबको? क्या हो जाएगा? बाय मॉम कब मिलते हैं? बाय क्या बोल रहा बच्चा? बाय मॉम कब मिलेंगे? रात को मिलेंगे। कब मिलेंगे? रात को टीवी देखते समय मिलेंगे। बीस है बीसीजी टीबी के लिए, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के लिए, येलो फीवर, जब भी अगर अपन फॉरेन कंट्री में जाते हैं येलो फीवर का वैक्सीन लगवाना जरूरी है। मीजल्स की बात करें, खसरे का टीका, इसके साथ में विटामिन ए भी अपन देते हैं, 9 मंथ से स्टार्ट करें थे, डोज पढ़ेंगे भी। उसके बाद में आता है ओरल पोलियो वैक्सीन, 5 साल तक के बच्चों को दी जाती है, 2 ड्रॉप दी जाती है, ओरली दी जाती है। मम्स की बात करें, रूबेला हो गया, ओरल टाइफॉइड हो गए। तो ये हमारे कौन सी वैक्सीन थी एग्जामिनर, इनमें से भी कोई सा भी, तो जो अभी पूछा हुआ भी है कई बार कि ये बताओ इनमें से कौन सी वैक्सीन जो है लाइव वैक्सीन है, एग्जांपल छांट के बताओ। तो ये अपना कौन सा एग्जांपल हो गए? बीसीजी, येलो फीवर, मीजल्स, ओरल पोलियो, मम्स, रूबेला, ओरल टाइफॉइड। तो ये हमारे किसके एग्जांपल है बेटा जी? लाइव वैक्सीन के एग्जांपल है। किसके एग्जांपल है भाई? ये अपने लाइव वैक्सीन के एग्जांपल हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है, अब दूसरा जो हमारा आ जाता है, दूसरा कौन सी वैक्सीन आ जाओ भाई? किल्ड वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन बात करें? किल्ड वैक्सीन बोले, या फिर इसको अपन कौन सी वैक्सीन बोलते हैं? इनएक्टिवेटेड वैक्सीन भी बोलते हैं क्या? दूसरा इनएक्टिवेटेड, याद कर लेना भाई। दूसरा क्वेश्चन, एग्जामिनर यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये बताओ किल्ड वैक्सीन का मतलब क्या होता है? अरे भाई इसके अंतर्गत भाई लाइव के अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह वायरस को लाइव रखते हैं, लेकिन उसके पैथोजेनिसिटी को क्या कर दिया जाता है? कम कर दिया जाता है, जिससे वो डिजीज प्रोड्यूस नहीं करता। लेकिन नाम से पता चल रहा है कि सर इसके अंदर हमारे अंदर जो भी डिजीज प्रोड्यूस करने वाले जो भी बैक्टीरिया वायरस है, इनको क्या कर दिया जाता है? बैक्टीरिया एंड वायरस विच हैव किल्ड, जो बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया जो वायरस है, बैक्टीरिया और जो वायरस है, इनको क्या कर दिया जाता है भाई? किल कर दिया जाता है, किल्ड कर दिया जाता है। किसके अंदर? एक प्रकार से या तो हीट के ऊपर, बहुत ज्यादा हीट, या विशेष प्रकार के जो केमिकल क्या होते हैं, इनके अंदर क्या कर दिया जाता है? इनको क्या कर दिया जाता है भाई? इनके अंदर भी देखो, इनके माध्यम से इनको क्या करना? किल करके हमारे जो इम्यून रिस्पॉन्स, जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है, उसको क्या करना? बूस्ट करना। ठीक है, कोई भी बैक्टीरिया वायरस था, उसको क्या कर दिया? किल करके कौन सी वैक्सीन बनाई जाती है? लाइव वैक्सीन, या फिर जिसको अपन बोलते हैं इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है भाई। देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, एग्जांपल मैं क्या बोल रहा हूं, देखो सबको रटना नहीं है भाई, किसी को भी रटना नहीं, याद सबको करना है, ट्रिक से याद करना है। पहली बार के अंदर अपन ने देखा था क्या था कि सर जो उसको याद करने के लिए कि क्या बोल रहा था बच्चा, भाई मॉम कब मिलते हैं? रात को मिलते हैं, डिनर पे, टीवी पे मिलते हैं। लेकिन यहां पे भी अपने को एक ट्रिक याद रखना है। ट्रिक में क्या याद रखना है सब? क्या हो गया? जापान की खीर कैसी है? बहुत मीठी होती है, कड़वी। तो याद करने के लिए क्या याद करना है सर? जापान की क्या याद करना है? जापान की क्या है? जापान की खीर, KHIR, जापान की खीर कैसी है? मीठी है। खीर खाओगे क्या भाई? यस या नो? जिसको खीर खाना है तो याद करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? तो ये ट्रिक है भाई, जापान की खीर कैसी है? मीठी। तो जी का मतलब क्या होता है? जापानीज एनसेफेलाइटिस जो वैक्सीन है, किसके अंतर्गत आती है भाई? किल्ड वैक्सीन के अंदर आती है क्या? उसके बाद में आते हैं सर आई का मतलब क्या होता है? इनएक्टिवेटेड या इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन। हाँ भाई, इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन, इसको अपन पढ़ेंगे 2023 के रूल के अकॉर्डिंग। देखो भाई, ये जो इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन है, इसको एफ आई पी वी इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन अभी अपन पढ़ेंगे, जब इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पढ़ेंगे। कहां लगाते हैं? इंट्राडर्मली लगाते हैं, 0.1 ml। तो जो अपनी इंजेक्टेड पोलियो, देखो ओरल पोलियो वैक्सीन किसके अंदर आती है भाई अपनी? तो ओरल पोलियो, देखो एक क्वेश्चन यहां से ये भी बन सकता है, इस वैक्सीन का दूसरा नाम क्या है? इसको साल्क वैक्सीन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से भी जानते हैं इसको? साल्क वैक्सीन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में आता तीसरा, केयर फॉस्टर डिजीज है जिसकी वैक्सीन है, वो भी किसके अंतर्गत आती है? किल्ड वैक्सीन के अंदर आती है। उसके बाद में आता सर हेपेटाइटिस बी, और ये ए और हेपेटाइटिस बी,
हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी, इसकी वैक्सीन किसके अंतर्गत आती है? किल्ड के अंतर्गत आती है। क्या आई का मतलब होता है इन्फ्लुएंजा वाली, आई का मतलब क्या है इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा होता है नहीं होता है इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन। और आर का मतलब होता है रैबीज वैक्सीन, अरे कुत्ता उत्ता काट लेता है क्या, जिसको हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। जब अपन पढ़ें नेक्स्ट अपन डिजीज पोर्शन में चलेंगे, जब कम्युनिटी पढ़ेंगे तब देखेंगे भाई। देखो क्या याद करना है सर, किल्ड वैक्सीन के अंदर क्या होता है सर, जो भी बैक्टीरिया वायरस होते हैं भाई उनको क्या करके मार करके किल करके तो अपना इम्यून रेस्पॉन्स होते इसको बढ़ाते हैं नहीं बढ़ाते हैं। तो कौन कौन सी वैक्सीन है, जापान क्या है भाई, जापान की खीर कैसी है, बहुत मीठी है। जे का मतलब क्या होता है, जापानीज एंसेफेलाइटिस। के आई का मतलब कौन सी वाली, इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन, जिसको साल्क वैक्सीन भी बोला जाता है। क्या के का मतलब केयरपोस्टर डिजीज। एच का मतलब होता है हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी, भी किसके अंतर्गत आएगी, किल्ड वैक्सीन के अंतर्गत आएगी। आई का मतलब इन्फ्लुएंजा, उसके बाद में आता है अपना आर से रैबिज की जो वैक्सीन होती है, जब कुत्ता उत्ता काट ले जानवरों के काटने से फैलता है लिज़ा वायरस, जिसको अपन इसका जो गोल्जी एजेंट होता है। तो जापानीज एंसेफेलाइटिस, इंजेक्टेड पोलियो, केयरपोस्टर डिजीज, हेपेटाइटिस ए और बी, इन्फ्लुएंजा और रैबिज वैक्सीन, यह हमारे किसके अंतर्गत आती है भैया, किसके अंतर्गत आती है बेटा जी, ये हमारी आती है वैक्सीन किसके अंतर्गत आती है, किल्ड वैक्सीन के अंतर्गत आती है। हाँ भाई, अब जो हमारी जो लास्ट वाली जो वैक्सीन बच गई, कौन सी वैक्सीन बच गई, टॉक्सॉइड वैक्सीन। क्या होता है भाई टॉक्सॉइड, तीसरी जो वैक्सीन बच गई हमारी कौन सी, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये बताओ टॉक्सॉइड का मतलब क्या होता है, अरे भाई है तो ये एक प्रकार की वैक्सीन ही, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, ये एक प्रकार का, देखो हम पढ़ते हैं टॉक्सॉइड मतलब क्या होता है कि जो हमारे जो वैक्सीन की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टॉक्सिक सबस्टांस होते हैं, टॉक्सिक सबस्टांस की अगर अपन बात करें कि सर कोई भी बैक्टीरिया हो गया, यह हमारे क्या है बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ये क्या करते हैं जैसे इनकी ये कोई भी कोशिका, इनकी अपनी क्या है खुद की सेल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। यदि ये बैक्टीरिया क्या करते अपना टॉक्सॉइड, अपना क्या, अपना टॉक्सिन, अपना टॉक्सिक सबस्टांस यदि बाहर छोड़ रहे तो इसको बोलते हैं एक्सोटॉक्सिन, एक्सोटॉक्सिन। और अंदर जो अगर अपना टॉक्सिन छोड़ रहे उसको बोलते हैं एंडोटॉक्सिन, एंडोटॉक्सिन बोलते हैं। क्या बोला जाता है भाई इसको, एंडोटॉक्सिन। जो टॉक्सॉइड वैक्सीन होती है इसका मतलब होता है कि सर बैक्टीरिया जो वायरस के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, सेल मेम्ब्रेन होती है, यदि वो कोई भी टॉक्सॉइड अगर रिलीज कर रहे, टॉक्सॉइड के मतलब बोले तो एक तरह से जहर की तरह, अगर अपना टॉक्सॉइड अगर वो सेल मेम्ब्रेन, ये क्या है भाई कोशिका की झिल्ली है, किसकी है, बैक्टीरिया वायरस की है, क्या है अपना सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन से बाहर यदि कोई भी टॉक्सॉइड अगर रिलीज कर रहा है तो इसको बोला जाता है, इस टॉक्सॉइड को बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको, बोला जाता है एक्सोटॉक्सिन। और अंदर ही कर रहा है इसको बोला जाता है एंडोटॉक्सिन। लेकिन जो हमारी जो वैक्सीन जो बनाई जाती है ना, जो वैक्सीन बनाने के लिए जो टॉक्सॉइड सबस्टांस, भाई टॉक्सॉइड सबस्टांस ये जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं इनका मेटाबॉलिक सबस्टांस होता है जो हमारी डिजीज कॉज करता है, लेकिन जो हमारी जो वैक्सीन बनाई जाती है वो एक्सोटॉक्सिन सबस्टांस से बनाई जाती है कि नहीं बनाई जाती है। तो जो टॉक्सॉइड टाइप की जो वैक्सीन होती है इनको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है भाई, तो यदि सीधी सी भाषा में बात करें सर, इनको क्या करना, डिटॉक्सिफाइड करके, क्या करना, डिटॉक्सिफाइड टॉक्सिक सबस्टांस या प्रिपरेशन, डिटॉक्सी डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन करके किसको, डिटॉक्सिफिकेशन टॉक्सिन, डिटॉक्सिफिकेशन टॉक्सिक प्रिपरेशन। तो भाई जो भी बैक्टीरिया वायरस होता प्रिपरेशन, भाई मैंने आपको क्या बताया, देखो भाई हमारा ये बैक्टीरिया था, ये वायरस था, जो ये अगर बाहर अपना टॉक्सिक सबस्टांस अगर छोड़ रहा है, ये टॉक्सिक सबस्टांस छोड़ रहा है, इसको बोल रहा है एक्सोटॉक्सिन, एक्सोटॉक्सिन। इस एक्सोटॉक्सिन जो सबस्टांस है इसी से क्या करवाई जाती है, इनके खिलाफ क्या बनवाई जाती है, अपनी एंटीबॉडी बना के, या फिर इनके खिलाफ क्या बना के भाई, जो इम्यून रिस्पॉन्स बना के, या फिर इनके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स बना के हमारी क्या बनाई जाती है, वैक्सीन बनाई जाती है। तो इसका जो एग्जाम्पल वो पूछेगा, क्या क्या पूछेगा भाई अपना, इसका एग्जाम्पल पूछेगा, कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, टॉक्सॉइड वैक्सीन के एग्जाम्पल, देखो टॉक्सिन वैक्सीन के अगर टॉक्सॉइड, डिप्थीरिया, पहला क्या हो गया भाई अपना डिप्थीरिया डीपीटी, दूसरा कौन सा हो गया पर्टुसिस, दूसरा क्या हो गया पर्टुसिस, तीसरा क्या हो गया अपना टेटेनस,
तीसरा क्या हो गया भाई, टिटेनस, क्या हो गया, टिटेनस हो गया, टीटी। देखो अगर डिप्थीरिया की अपन बात करें तो इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो कॉर्नियो बैक्टीरिया डिप्थीरिया होता है, कॉर्नियो बैक्टीरिया डिप्थीरियम होता है। अगर बोर्डेटेला पर्टुसिस की इसकी बात करें तो बोर्डेटेला पर्टुसिस होता है, टिटेनस की बात करें तो टीटी, टिटेनस टॉक्सोइड हमारा क्या होता है, इसका पॉजिटिव एजेंट होता है। तो डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटेनस ये हमारे क्या है भाई, हमारे टॉक्सोइड वैक्सीन के एग्जांपल है। लेकिन मैं एक बार थोड़ा सा वापस प्रीवियसली लिख देता हूं भाई, किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक बार मैं बता देता हूं, जो एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनता है वो कैसे पूछेगा ये बताओ, लाइव के एग्जाम्पल, किल्ड के एग्जाम्पल और अपना टॉक्सोइड के एग्जाम्पल हमें याद करना है। कैसे ट्रिक बनाई थी हमने, हमने सबसे बोला बोला था कि बच्चा क्या बोल रहा है, मम्मी से बोल रहा है बाय मॉम, क्या बोल रहा है बाय मॉम, क्या करेंगे बाय मॉम, रात को कब मिलते हैं, टीवी पे मिलते हैं। तो बी का मतलब बीसीजी, बी का मतलब बीसीजी, वाई का मतलब येल्लो फीवर, कौन सी हो गई भाई येल्लो फीवर, एम का मतलब हो गया मीजल्स खसरे वाली, ओ का मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन, इसको अपन क्या बोलते हैं साबिन वैक्सीन के नाम से भी जानते हैं, क्या क्या नाम से जानते हैं भाई, साबिन के नाम से भी जानते हैं। एम का मतलब हो गया मम्स वाली, अपनी मम्स हो गई। आर का मतलब हो गया रूबेला वैक्सीन, आर का मतलब क्या हो गया अपना रूबेला वाली। टी का मतलब कौन सी होगी, ओरल टाइडफॉइड वैक्सीन, ओरल टाइडफॉइड वैक्सीन हो गया। तो बीसीजी हो गया, येलो फीवर हो गया, मीजल्स हो गया, ओरल पोलियो हो गया, मम्स हो गया, रूबेला हो गया, ओरल टाइडफॉइड वैक्सीन, है ना। ओटी नहीं है भाई, कोई ओटी ऑपरेशन थिएटर नहीं है, और अपना जो है क्या भाई ओरल टाइडफॉइड। किल्ड के याद करने के लिए क्या करना है सर, जापान कैसा है, जापान की खीर कैसी है भाई, जापान की खीर को याद करना है, कैसे खाओगे नहीं खाओ। जे का मतलब होता है सर जापानीज एनसेफेलाइटिस, के का मतलब होता है, आई का मतलब क्या होता है इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन, आईपीवी इंजेक्टेड पोलियो, एफआईपीवी बदल दिया इसको। के का मतलब केयर फॉस्टर डिजीज, एच का मतलब हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस कौन कौन सी बी और ए वाली। आई का मतलब इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन कौन सा वाला, आई का मतलब इन्फ्लुएंजा। आर का मतलब हो गया रेबीज वाली, किसकी वाली रेबीज वाली। टॉक्सोइड के अंदर अपन बात करें डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटेनस, ये हमारी किसकी वैक्सीन होती है, लाइव, किल्ड और टॉक्सोइड वैक्सीन होती है, ठीक है। तो ये हमारा हमने देखा था आज का अपना जो टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक, अपन जो कंप्लीटली डिटेल में इसके बाद में अपन देखते हैं नेक्स्ट क्लास में देखेंगे फ्रेंड्स, अपना जो भाई इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होती है और अपना इम्यूनाइजेशन शेड्यूल क्या होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के अंदर नए वीडियो के साथ में। अपना जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल था, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल इम्यूनोग्लोबुलिन और इम्यूनिटी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।